Hello, students. Good morning. How are you all? Subject Math, Magic, Standard 3, Chapter number 12 Can we share? Last hour, question number 10, 11, and 12 completed. Today, start the question number 13. Write the answer to the questions from the given details.

स्क्रल के जंप है थ्री थ्री के ओके यानी थ्री का टेबल्स फ्रॉक का टू का टेबल्स सेकेंड वन स्क्रल थ्री टेबल्स थर्ड पिक्चर इज रेबिट और रैबिट जम्प्स फाइव स्टेप्स यानी रैबिट के है फाइव फाइव के जम्प से यानी फाइव का टेबल्स नेक्स्ट फोर्थ पिक्चर हॉर्स अ हॉर्स जम्प्स फिफ्टीन स्टेप्स हॉर्स के जम्पे फिफ्टीन यानी फिफ्टीन का टेबल्स फर्स्ट जंप में वो फिफ्टीन पे सेकेंड जंप थर्टी पे आएगा फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन फिफ्टीन टू जा थर्टी तो सेकेंड जंप मारेगा तो तो वो थर्टीन नंबर पे पहुँचेगा ओके यानी फिफ्टीन का टेबल्स एंड लास्ट पिक्चर इज कंगारू कांगारू जम्प्स थर्टी स्टेप्स थ्री जीरो थर्टी कांगारू का स्टेप है थर्टी यानी थर्टी का टेबल्स थर्टी वन जा थर्टी थर्टी टू जा सिक्सटी आफ्टर नाइन्टी वैसे थर्टी के जंप्स आएंगे यहाँ पे ओके अब ये सारे पिक्चर में से देख के हम आंसर्स लिखेंगे ओके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन इन हाउ मेनी जम्प्स विल द फ्रोक रीच थर्टी यानी फ्रोक थर्टी नंबर पे पहुँचने के लिए कितने जम्प्स करेगा कितने जम्प पे वो कितने नंबर के जम्प पे वो थर्टी नंबर पे पहुँचेगा यानी थर्टी डिवाइडेड बाय टू 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 के जम में यहाँ पे से जीरो से टू यानि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वैसे पूरा काउंट करेंगे तो टोटल तो होगा फिफ्टीन और फर्स्ट वन आंसर इज फिफ्टीन हियर राइट फिफ्टीन फर्स्ट ब्लैंक्स राइट ओके या फिर थर्टी डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू फिफ्टीन डिविजन सम्स कम हियर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इन हाउ मैनी जंप्स विल द स्विरल रिच थर्टी सिक्स यानी स्क्विरल थर्टी सिक्स नंबर पे पहुंचने के लिए कितने जम्प्स करें करेगी ओके तो थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व यहाँ पे थ्री थ्री के जम्प्स हैं तो हम थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें ट्वेल्व सेकेंड वन सेकेंड ब्लैंक्स आंसर राइट ट्वेल्व नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इन हाउ मेनी जंप्स विल द हॉर्स रीच सिक्सटी हॉर्स तो हॉर्स का है फिफ्टीन यानी सिक्सटी डिवाइडेड बाय फिफ्टीन फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी थर्ड वन आंसर राइट फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर ऑन विच नंबर विल द कांगारो रीच इन थ्री जंप्स यानी कांगारो थ्री जंप्स में कौन से नंबर पे पहुंचेगा कांगारू का वन पे थर्टी का तो टोटल थ्री बोला है तो थर्टी हम थ्री टाइम प्लस करेंगे यानी थर्टी थ्री जहाँ नाइन्टी फोर्थ वन हियर आंसर राइट नाइन जीरो नाइन्टी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव हु ऑल विल मीट एट द नंबर फिफ्टीन यानी फिफ्टीन नंबर पे कौन कौन से एनिमल्स साथ में होंगे फर्स्ट स्क्विरल रैबिट एंड हॉर्स स्क्विरल के थ्री जंप से यानी थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री के टेबल्स में फिफ्टीन आता है थ्री फाइव जा फिफ्टीन तो स्पिरल नेक्स्ट रेबिट फाइव जम्पस जा फिफ्टीन तो ये भी आएगा एंड हॉर्स फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स हु ऑल विल मीट एट द नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी नंबर पे कौन से एनिमल्स होंगे तो आएगा फ्रॉग एंड रैबिट फ्रॉग यानी टू जम्प्स तो टू के टेबल्स में भी ट्वेंटी आएगा और रैबिट फाइव जंप्स तो उसके टेबल्स में भी यानी फाइव के टेबल्स में भी ट्वेंटी आएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन ऑन विच नंबर विल द स्क्विरल रीच इन फोर जम्प्स स्क्विरल फोर जम्प्स में कौन से नंबर पे पहुंचेगी तो स्क्विरल के थ्री थ्री फोर जा ट्वेल्व राइट ट्वेल्व नेक्स्ट एट नंबर विल द रैबिट एवर बी एट द नंबर एटीन रैबिट एटीन नंबर पे आएगा तो नो no. रैबिट के फाइव जंप है यानी फाइव के टेबल्स में एटीन नहीं आया था एट वन आंसर राइट नो नेक्स्ट नाइन नंबर विल द स्क्विरल एवर बी एट द नंबर ट्वेंटी वन इसमें आएगा यस yes, स्क्वीरल के थ्री ए यानी थ्री के टेबल्स में ट्वेंटी वन आता है तो आएगा यस हियर आंसर राइट येस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन हाउ मेनी जंप्स ऑफ रैबिट इक्वल्स टू जंप्स ऑफ हॉर्स यानी हॉर्स के साथ इक्वल होने के लिए रैबिट कितने जंप्स करेगा हॉर्स का फिफ्टीन है तो फिफ्टीन टू जा थर्टी तो रैबिट का भी हमें थर्टी कंप्लीट करना होगा यानी फाइव सिक्स जा थर्टी यानी सिक्स जम्प हियर आंसर राइट सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन हाउ मेनी जंप्स ऑफ स्क्विरल इक्वल्स टू वन जम्प्स ऑफ कांगारू कांगारू को वन जम्प्स इक्वल होने होने के लिए स्क्वेरल को कितने जम्प्स करने होंगे यानी कांगारू का है थर्टी थर्टी वन जा थर्टी वन जम्प तो स्क्वेरल आएगा थ्री टेन जा थर्टी यानी टेन

जम्प्स ऑफ रैबिट इक्वल्स टू थ्री जम्प्स ऑफ हॉर्स हॉर्स के थ्री जम्प्स यानी फोर्टी फाइव तो रैबिट के भी उतने ही कंप्लीट करने होंगे रैबिट यानी फाइव टेबल्स तो फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव आंसर इज नाइन तो ये राइट ब्लैंक्स नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हु हैज हैजू जंप द मोस्ट टू रिच थर्टी थर्टी नंबर पे पहुंचने के लिए कौन ज्यादा जम्प करेगा तो आएगा फ्रॉक क्योंकि उसके टू टू के जम्प पे तो उसके सबसे ज्यादा आएगा एर राइट फ्रॉक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर वेर द फ्रॉग एंड द स्क्विरल विल मीट कौन सा छोटा नंबर है जिसमें फ्रॉग और स्क्विरल साथ में होंगे आंसर इज सिक्स राष्ट्र ब्लैंक्स राइट सिक्स टू थ्री जा सिक्स एंड थ्री टू जा सिक्स तो आंसर इज सिक्स ईयर क्वेश्चन नंबर थर्टीन अवर कंप्लीटेड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज योर होमवर्क या आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है कैसे करना है तो फोर्टी टू डिवाइडेड बाय सेवन तो सेवन के टेबल्स में फोर्टी टू सिक्स यानी सेवन सिक्स जा फोर्टी टू तो ये राइट सिक्स आफ्टर सिक्स मल्टीप्लाई थ्री तो एटीन आंसर